Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss question number 29. So here the question is, write the general outer electronic configuration of S, P, D and F block elements. क्या करना है बेटा? आपको यहाँ पर लिखनी है general outer electronic configuration of S block, P block, D block and F block elements. तो start करेंगे बेटा. सबसे पहले हम लिखेंगे S block elements के लिए. कौन से होते हैं बेटा S block elements? Group 1 and Group 2. Group 1 and Group 2 में जो outermost electron enter होता है वो कौन से orbital में होता है बेटा? S orbital में, इसलिए उसको S block elements कहा गया है. तो इसके लिए जो electronic configuration है, general outer electronic configuration, वो कितनी होगी बेटा? NS 1, 2, 2. अगर ये होगा NS1 तो मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, और अगर ये होगा NS2 तो हम बात कर रहे हैं बेटा ग्रुप 2 एलिमेंट्स की. क्लियर? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए लिख दिया. उसके बाद अब हम लिखेंगे बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए. पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं? जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर होता है बेटा पी ऑर्बिटल में. तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126. ये जो लिखा बेटा हमने NP126, अगर हम लिखेंगे NP1 तो वो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी. जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए बेटा? ग्रुप 13 के लिए. फिर NP2 होगा तो ग्रुप 14, NP3 होगा तो ग्रुप 15 एंड सो ऑन. राइट? ग्रुप 18 के लिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6. ठीक है, इसीलिए यहां पर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं बेटा? नोबल गैसेस कहते हैं. ठीक है, बात समझ आई? तो इसको यहां से हटा देंगे क्योंकि आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. पी ब्लॉक के लिए हो गया. उसके बाद हम लिखेंगे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए. डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी बेटा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है डी ऑर्बिटल में, और डी ऑर्बिटल भी कौन सा होता है बेटा? पेन अल्टीमेट शेल. पेन अल्टीमेट शेल का मतलब क्या है? यहां पर ये होगा N-1 डी ऑर्बिटल. ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 1, 2, 10, इसीलिए आपको 10 ग्रुप्स मिलते हैं डी ब्लॉक में. और दूसरा क्या होगा बेटा? NS02. राइट? ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये सारी के सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बेटा आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, एग्जैक्टली वैसी ही आप याद कर लेंगे और लिख लेंगे. क्लियर? अब लास्ट हम लिखेंगे बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां एंटर होगा? वो एंटर होगा एफ ऑर्बिटल में, और एफ ऑर्बिटल कौन सा होता है बेटा यहां पर? वो होगा एंटी पेनल्टीमेट शेल वाला. जैसे यहां पर हम लिखेंगे N-2F, और ये होगा N-1D, और उसके बाद ये होगा NS. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी बेटा? ये होगा NS2, N-1D021, एंड जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर हो रहा होगा N-2F ऑर्बिटल में. तो ये कितना हो जाएगा? 1, 2, 14. राइट? अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि N की वैल्यूज कितनी कितनी हो सकती हैं. जैसे अगर हम डी ब्लॉक के लिए बात करें बेटा, तो कौन से ऑर्बिटल के लिए, या फिर हम कहेंगे एन की कौन सी वैल्यू के लिए डी सबशेल एग्जिस्ट करता है? वो है बेटा 3D, है ना? 2D तो एग्जिस्ट नहीं करता, 3D एग्जिस्ट करेगा. तो एस ऑर्बिटल कौन सा होना चाहिए बेटा? 4s. राइट? ठीक है बेटा. और अगर हम ऐसे ही बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, तो एफ ब्लॉक में जो पहला एफ ऑर्बिटल होगा, मतलब कौन सी एन की वैल्यू के लिए एफ ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा बेटा? यहां पर देखो, अगर मैंने एन की वैल्यू ली है 6, तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेंगे? 6s, N-1D कौन सा हो जाएगा बेटा? 5D, एंड N-2F मतलब 4F. 3F तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो कम से कम N की वैल्यू 6 तो होनी ही चाहिए. इसीलिए F ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं बेटा? लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. लेंथेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं 6th पीरियड में, और एक्टिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं 7th पीरियड में. क्या बात हमें समझ आई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये होगा 3D 4S, मतलब N की वैल्यू आप 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं एंड 6 ले सकते हैं. क्लियर? बात समझ आ गई बेटा? चलिए, तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुआ. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.